हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट ऊपर। सो आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सिद्धार्थ बामानिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, AI के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के ऊपर। तो इस वाले वीडियो के ऊपर अगर आप पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं तो पॉडकास्ट में भी आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वाले वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं डिसबर्समेंट के बारे में। तो आखिर में टर्म्स क्या होता है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डिसबर्समेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मान लो कि आप एक एजेंट हो, तो आपने किसी डेवलपर का या फिर एक बिल्डर का या फिर एक सेलर का काम करके दिया, तो वो आपका जो कमीशन है उसको रिलीज़ करता है, तो उसे बोलते हैं एक डिसबर्समेंट, कि उसने उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो उसे बोलते हैं डिसबर्समेंट। तो फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा, मान लो कि आप एक बायर हो, लेट्स सपोज कि आप एक बायर हो, तो आपने बैंक वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitlaxbamania.com/gift, तो आपको वहां से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। से लोन लिया और बैंक ने अपना खुद का जो अमाउंट है डिस्बर्स कर दिया उस सेलर को, या फिर उस जो डेवलपर से उसको सेल कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, तो उसे बोलते हैं एक सेकेंड, जहाँ पे बैंक ने डिसबर्स कर दिया और लोन किसको, डेवलपर को। और थर्ड होता है, अगर आप खुद सेल्फ फंडिंग में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, तो आपने खुद उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया उस डेवलपर या उस सेलर को, तो उसे बोलते हैं एक डिसबर्समेंट प्रोसेस, जहाँ पे आपने या फिर कोई ऐसा बंदा है जो पैसे को ट्रांसफ़र करता है या फिर आपके पास खुद के पास भी पैसा आता है, तो उसे बोलते हैं डिसबर्समेंट। तो ऐसे ही इजी वे में रियल एस्टेट की जो टर्मिनोलॉजी होती है या फिर रियल एस्टेट की जो नॉलेज होती है उसको सीखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि ये पॉडकास्ट अच्छा है तो आप मुझे इसमें टैग भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के ऊपर या फिर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। हे, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं। तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में, जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।